चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब खबर ले लेते हैं सियासत से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार आज अपने आवास पर इफ्तार पार्टी देकर मुसलमानों को साधने की कोशिश करते नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी के नए नवेले एमएलसी तारिक मंसूर का कहना है कि मोदी के प्रति मुसलमानों की सोच बदली है। वहीं बीजेपी ने नीतीश के इफ्तार पार्टी को सियासी स्टंट करार दिया है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब नीतीश के इफ्तार पार्टी को लेकर, देखिए किस तरह से सियासत देखने को मिल रही है। तो बता दें आपको, देखिए नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और उसको लेकर देखिए किस तरह से यहां पर अब सियासत शुरू हो गई है। चुनाव का माहौल है, 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि बिहार के सभी नेता और राजनीतिक दलों को भी न्योता भेजा गया है और अब उसी को लेकर किस तरह से अब यहां सियासत शुरू हो चुकी है। 8 अप्रैल को जेडीयू इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार के आवास पर, और कहीं ना कहीं क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को यहां पर न्योता दिया गया है, उसी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। और उसी को लेकर आप देखिए तारिक मंसूर नए नवेले एमएलसी बने हैं, क्या कुछ ये कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से पूरी सियासत जो है, जो फोकस है, वो पूरी तरह से अब इस इफ्तार पार्टी को लेकर है। आज आपको बता, नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, तो वहीं राबड़ी देवी ने भी इफ्तार पार्टी का, वो भी आयोजन करने वाली है 9 अप्रैल को, उनके यहां पर भी इफ्तार पार्टी है। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनती नजर आएगी और उसकी झलक, विपक्ष कितना एकजुट है उसकी झलक भी इन इफ्तार पार्टी में देखने को मिलेगी। अब तारिक मंसूर ने नए नवेले वो एमएलसी बने हैं, उसके नॉमिनेट होने पर वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं वो तुष्टीकरण का आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी ने मुझे नॉमिनेट किया है, गवर्नर ने नॉमिनेट किया है, जो नॉमिनेटेड सीट्स हैं, तो मैं आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि अपर हाउस में नॉमिनेट किया। नहीं देखिए, मोदी जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, इस वक्त विश्व में जो लीडर्स हैं उनमें से सबसे बढ़िया लीडर वो हैं जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।